सोलन और सिरमौर की सीमा पर ओज घाट के सभी बसे गांव थुरंग में आज सुबह से मातम पसरा हुआ है। जिस शख्स ने भी अजय कुमार गोंडल की शहादत की खबर सुनी वो पूरी तरह से सन रह गया। वहीं शहीद अजय की मां और पिता के रो रो कर आंखों से आंसू भी सूख चुके हैं। हम आपको बता दें कि पुलवामा जिले में त्राल के वन क्षेत्र लाम में आतंकी छिपे हुए थे, जिस पर सुरक्षा प्रहरियों की तीन टुकड़ियों ने आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही देर में आतंकवादी और सुरक्षा प्रहरियों में जबरदस्त मुठभेड़ हुई। आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद अजय गोली लगने से बुरी तरह घायल हो गए और अस्पताल में भारत माँ के इस लाल ने अंततः दम तोड़ दिया। काबिले जिक्र है कि शहीद अजय के भाई की तकरीबन 6 महीने पहले बीमारी के कारण मौत हो चुकी है। माता पिता उसकी मौत के सदमे से अभी उभर ही नहीं पाए थे। अजय के शहीद होने की खबर से पूरे परिवार का कलेजा बाहर को आने लगा। इस खबर ने सबको अंदर तक हिला कर रख दिया। वहीं इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा, पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर पर लगातार घुसपैठ की कोशिशें कर रहा है, लेकिन भारतीय सैनिक उनकी हर मंशा को नाकामयाब करते रहे हैं, जिसकी वजह से आतंकवादियों से उनका सामना होता रहता है और भारतीय सैनिक उनकी हर कार्यवाही का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। इसी जवाबी कार्यवाही में हिमाचल का बेटा अजय कोंडल देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। इस मौके पर सभी इस शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और शहीद अजय की माता पिता को नतमस्तक होते हैं, जिन्होंने ऐसे जाबाज बेटे को जन्म दिया जिसने देश की रक्षा करते हुए अपना जीवन तक बलिदान कर दिया। पाकिस्तान के द्वारा लगातार हमारे देश के ऊपर छदम युद्ध किया जा रहा है। कश्मीर और कश्मीर घाटी और जम्मू कश्मीर उसका सबसे बड़ा निशाना है। लगातार आए दिन वहाँ पर हमले होना, मोर्टार से हमले होना, आतंकवादियों की घुसपैठ करना, ये सब हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है। हमारे देश की आर्मी लगातार पाकिस्तान को और सबक सिखाने में लगी है। इस कड़ी में जहाँ हिमाचल का एक जांबाज सैनिक, जिला सिरमौर का रहने वाला ये सैनिक 25 साल की आयु में उन आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुआ है, हम गौरव और उनको श्रद्धा अर्पित करते हैं जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया, ऐसी माता के प्रति सम्मान करते हैं, ऐसे पिता को प्रणाम करते हैं। राष्ट्रीय राइफल में सिपाही अजय कुमार के पार्थिव शरीर को पैतृक गांव में सेना की एम्बुलेंस से लाया गया, जहां पर पूरे सैनिक सम्मान के साथ इस वीर शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। न्यूज इंडिया लाइव टीवी भी इस शहादत के इस शहीद को सलाम करता है। सोलन से अमरप्रीत पुंज। यू आर वॉचिंग न्यूज इंडिया लाइव टीवी। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।